एशिया कप के शेड्यूल के हवाले से बड़ी खबर आ गई। शेड्यूल कब आएगा, तारीख सामने आ गई। इंडिया और पाकिस्तान का मैच कब होगा, जानिए इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको बताते चलें कि ज़राए के मुताबिक एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान बुध को मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक एशिया कप का पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस नेपाल के बीच 30 या 31 अगस्त को खेला जाएगा और इससे पहले मुख्तसर ओपनिंग सेरेमनी का भी इम्कान है। पाकिस्तान और नेपाल के बीच का मैच मुल्तान में होने का इम्कान है, जबकि एक या दो मैच लाहौर में भी होंगे। याद रहे कि पाकिस्तान में एशिया कप के सिर्फ 4 मैचेस हैं। आपको मजीद बताते चलें कि इंडिया और पाकिस्तान का पहला मैच 2 और दूसरा मैच 10 सितंबर को कराए जाने की तजवीज़ दी गई है। अगर इस पर इत्तेफाक हो गया तो फिर पाकिस्तानी स्क्वाड अपने पहले मुकाबले के फौरन बाद श्रीलंका रवाना हो जाएगा। एशिया कप में इस बार इंडिया और पाकिस्तान के 3 मैचेस होने का इम्कान है। पहला मैच ग्रुप स्टेज, दूसरा सुपर 4 और तीसरा 17 सितंबर को फाइनल में होने का इम्कान है। पाकिस्तान में होने वाले 4 मैचेस के लिए नेपाल के अलावा अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें भी पाकिस्तान आएंगी। दूसरी जानिब पीसीबी के सीईओ सलमान नसीर को टूर्नामेंट का डायरेक्टर मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है। डेली ऐसी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।